पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन ने पुराने मेला ग्राउंड स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर गंज बासुदा को जिला बनाने की बात रखी है। जैन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अब उचित समय है, उचित समय पर ही उचित बात करनी चाहिए। हमारे घोषणा पत्र में भी गंज बासुदा को जिला बनाने का मुद्दा था, लेकिन दुर्भाग्य से जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। सत्ता से जुड़े लोगों से प्रार्थना है, आप आगे बढ़े, हम सब साथ हैं। एक बार ये मुद्दा निकल गया और जिले का परिसीमन हो गया तो जिला बनना मुश्किल है। श्री जैन ने आगे कहा कि भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो जिले के नक्शे में अंबानगर सेंटर में है और गंज बासुदा रेलवे लाइन है। तमाम ट्रेनों के स्टॉपेज हैं। यह जंक्शन की पात्रता रखता है। जिले की सबसे बड़ी मंडी है गंज बासुदा। विदिशा जिले में जनसंख्या के मान से दूसरे नंबर पर है। स्थानीय क्षेत्र है गंज बासुदा तहसील तेवदा तहसील ग्यारसपुर की तहसील का। वो हिस्सा है जो गंज बासुदा विधानसभा में आता है। उसको शामिल किया जाए, पठारी शामिल किया जाए, उदयपुर नई तहसील बनाई जाए और कुरवाई शामिल किया जाए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। के माध्यम से हमारे भी संज्ञान में आई थी और कवाड़े में बिक रही किताबों को कलेक्टर विदिशा ने संज्ञान लेते हुए रुकवाए और कार्रवाई की। निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर विषय, क्योंकि जब हमारे नौनिहाल पढ़ेंगे ही नहीं। सरकार तो चाहती है ना पढ़े ना, सरकार का उद्देश्य ही है ना कि यदि पढ़ेंगे तो जवाब करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। इसलिए सरकार का एजेंडा ही है कि जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मूल मुद्दे की बात ही क्यों करेंगे। बनाया जाए ताकि इसकी सफलता में कोई भी गुंजाइश ना रहे। देखिए शैलेंद्र भाई, आपकी बात ठीक है, मगर जो एक राजनीति का सिस्टम है, जन आंदोलन बनेगा, पूरा विपक्षी भी साथ होगा और फिर वो मुद्दा विपक्ष का बन जाएगा। और हो सकता है कि कई बार क्रेडिट के चक्कर में बहुत सारे काम होते हुए भी रुक जाते हैं। इसलिए पहल रूलिंग पार्टी करें, साथ पूरे हम हो, आप लोग साथ हो, तब कहीं जाके वो मामला हो सकता है। मैंने तो इस चुनाव के पहले भी हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।